देशवासियों, बजाज पतंग महल से मैं भगवान दास बजाज सबको नमस्कार करता हूँ। आइए और मुस्कुराइए, पतंग उड़ाइए और विटामिन टी पाइए। जो पतंग उड़ाता है हकीकत में दिल से 6 महीने तो उसका चश्मा उतर जाता है, ये हकीकत बात है सब। और विटामिन डी की कभी कमी नहीं होती पतंग उड़ाने वाले को। बीच में पतंग का दौर चला था तेलंगाना इलेक्शन की टाइम पे, असेंबली का, वो टाइम पे हमारे MIM के लीडर साहब के पतंग बहुत बिके थे, अकबर साहब के, असदुद्दीन ओवैसी साहब के, KCR की पतंग भी खूब चलती थी। अब ज़रा सुस्त हो गई है। अब रेवंत रेड्डी साहब की पतंग आने वाली है और मोदी जी की पतंग तो सदाबहार है। एक 2024 इलेक्शन की तैयारी में भी पतंग आ रही है मोदी जी की, मिशन 2024 बोल के वो पतंग का भी अच्छा डिमांड है। एक मोदी जी की और एक बीच में पतंग आई थी चंद्रयान की कामयाबी की टाइम पे, भारत चांद पे पहुंच गया है और पतंग वाले आज भी 1 रुपये में है साहब। मेरे पास 1 रुपये से पतंग चालू है। 1 रुपया अगर हम किसी गरीब को 1 रुपया दिए तो उन्होंने बोलता हेलो मैं 5 देता हूँ पलटा के वापस। वैसी ज़िंदगी पतंग वालों की चल रही साहब, कोई हमारे को सपोर्ट नहीं कर रहा, ना जायज़ तकलीफ़ दे रहे साहब। कंपनियों को बंद करे तो प्रॉब्लम होता, चाइनीज़ मांझेगा। फैक्ट्रियाँ चालू है, दुकानों वालों को परेशान कर रहे आगे। फैक्ट्रियों को बंद करे तो वो आता नहीं, बिकता नहीं। फैक्ट्री की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, सरकार का, टास्क फोर्स वालों का, फॉरेस्ट वालों का, लाइन ऑर्डर वालों का। खाली दुकान वालों को तंग करना बोल के हमारे पास चाइनीज़ मांझा नहीं है, चाइनीज़ मांझा मर चुका है और उसकी 40 को फूलों का हार भी चढ़ा दिया हम। हमारा दिल चाइनीज़ मांझे को बैन कर दिया। और हम आवाम से भी इल्तजा करते हैं दिल से कि चाइनीज़ मांझा मत उड़ाइए, अपनी पतंग की परवाह मत कीजिए, कबूतरों की परवाह कीजिए, इंसानों की परवाह कीजिए। लेकिन लोग पतंग की परवाह कर रहे हैं। भाई मेरा पतंग नहीं कटना, 5,000 लगे तो परवाह नहीं, वो है क्या? वो बोल तो चाइनीज मांझा ऐसा बताते लोग, वो है क्या? सामने मेरी गर्लफ्रेंड का घर है, मेरी इज्जत नहीं जाना, चाहे कबूतर मर जाओ उसको फिक्र नहीं है। तो लोगों के दिल से चाइनीज मांझे को बैन करना साहब, हम हमारे दिल से बैन कर दिए। हमारा धंधा चारा नहीं हो गया उसके बगैर फिर भी हम नहीं बेच रहे, हम कसम खा लिए नहीं बेचेंगे। और कोई बेच रहा तो उसकी शिकायत भी करेंगे। हम हमारी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार से और कमिश्नर साहब से अपील है, रात में 2-3 घंटे हमको इजाफा दिया जाए ताकि हमारा कुछ रोज़गार गुजारा चल जाए, वरना बहुत मुश्किल हो रही साहब। 11 बजे 12 बजे सीटियाँ मार देगी, पब्लिक का माइंड डाइवर्ट हो जाता, लोग इधर उधर चले जाते। अब धूलपेट के अंदर यहीं एरिया में तो ओल्ड सिटी के अंदर है, वहाँ 11 तारीख तक 2 बजे तक खुलने का परमिशन था, अब आज से रात भर का परमिशन है। उधर सपोर्ट कर रहे, इधर सपोर्ट नहीं कर रहे, ऐसा क्यों साहब? हमारी क्या गलती है साहब? हम पतंग बेच के खाना खा ले रहे, वो भी अच्छा नहीं दिख रहा लोगों को। अभी कौन से पतंग है आपके पास में? हमारे पास हर पतंग है साहब, 1 रुपये से चालू है साहब। हैदराबाद का 2 कलम चीबिया, लंगोट, परनी में भी पतंग कई है। एक बड़े फेमस कारीगर है चाचा, खैर उन्होंने चले गए, अल्लाह उनको स्वर्ग में जगह दे। इतनी अच्छी पतंग बनाते हैं, उन्होंने बनाते थे, उनकी औलाद बना रही। 1,000 पतंग लिए तो 1 पतंग खराब नहीं निकलती, वैसी पतंग रहती उनकी। दुल्हन बनाते उन्होंने, जिसकी शादी नहीं उन्होंने लिया खुश, कम से कम दुल्हन पतंग लेके तो खुश, उन्होंने रियल की दुल्हन नहीं मिली तो। और पतंग पे एक बहुत शानदार गाना है साहब, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग मेरी, उड़ी उड़ी जाए, चली चली रे पतंग मेरी, चली रे, चली चली रे पतंग मेरी, चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे, चली चली रे पतंग मेरी, चली रे। मांझे भी बहुत सुंदर है साहब। एक साई मांझा आ रहा शिरडी से, बाबा अपने भक्तों के लिए मांझा बना रहे। जो चाइनीज मांझे का दुश्मन है, चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाना डर जा रहे, अरे साई मांझा आ गया, सावधान हो जा रहे। वो सोच रहे हैं अगली बार हम भी साई मांझा लेंगे। धन्यवाद साहब, मैं बजाज पतंग महल से भगवान दास बजाज, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरी दुकान गुलदारस पे है, महबूब अजीज़ पतंग हाउस के नाम से। ये हमारा कारोबार बहुत पुराना कारोबार है पतंग का। हमारा मेरे वाली साहब के ग्रैंडफादर के टाइम से चल लेते आ रहा है पेपर की पतंग। हमारी खुद ओन मैन्युफैक्चर है, हम खुद बनाते पेपर की पतंग पूरा। छोटी पतंग आपको स्टार्टिंग पतंग, छोटी नॉर्मल स्टार्टिंग पतंग बिना धागे वाली 3 रुपये से स्टार्टिंग है पतंग। आपको 3 रुपये में एक पतंग मिलती, 3 रुपये की है, 5 रुपये की है पतंग। आपको आधा पाउंड, 1 पाउंड, 2 पाउंड पूरा पतंग मिल जाता आपको। और उसमें बच्चों के वास्ते स्पेशल भी आई, परनी की पतंग भी आई हुई है स्पेशल वाली, ये वाले कार्टून्स के अलग अलग डिज़ाइंस का आता। बच्चियों के लिए ये बारबी की पतंग आई हुई है, ये वाली गर्ल्स के लिए भी है, बारबी डॉल्स का पतंग। और इसमें ये इसमें छोटी है, इसमें जरिए बड़ी वाली भी आती है इसमें आपको। और इसमें 2 पाउंड की पतंग दी वहाँ से, ये पतंग स्कर्ट की पतंग आई हुई है आर्टिकल बोल के बड़ी में। इसका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, ग्राहक का पतंग लिया के फिर दोबारा आ रहे हैं, ग्राहक का पतंग दियो अच्छी ओल्डी बोल के आपको पतंग। ये
मांझे में आपको बोले तो अपना हैदराबाद का एक मांझा है, ये अपन खुद बनाए हुए हैं यहाँ पे, अपना लोकल मैन्युफैक्चर है ये, तो 16 कॉट्स का है ये मांझा, इसमें 750 मीटर मांझा आता आपको एक चरक में आपको ये। फिर इसमें बरेली में है अपने पास, ये 9 कॉट्स का है, 5 नंबर पांडा ये 12 कॉट्स का है, 5 नंबर पांडा इसमें 16 कॉट्स का आता, 5 नंबर पांडा पूरा पांडे के नाम से रहता, खाली एक ही ब्रांड बेचते हैं पांडा, दूसरा वाला कौन सा भी नहीं। और आपको ये लैंथर है, ये रात में छोड़ दिया, रात में छोड़ने के लिए जो लैंथर आता आपको वो वाला है, और आपकी ये सीढ़ी वाली चरक आई हुई है स्पेशल, ये या गिफ्ट वगैरह में देने के लिए लोग जो इस्तेमाल करते लोग उसके लिए रहता है, ये सीढ़ी वाली चरक है आपको। ये मांझा आपको, ये मांझा हमारे को पूरा बरेली से आता पूरा, ये हैंडमेड मांझा है ये। अब लोगों को जोरदार दूसरा स्पेशल पूछ रहे तो इसके लिए हम क्या करें, आप हैदराबाद में बनाने लगा है मांझा, ये अपना हैदराबाद का मैन्युफैक्चरिंग है अपना ये, तो ये जब से। और एक एक चीज़ हमारी ये गुजारिश है, मेरी एक की नहीं है, जितने भी मार्केट में पतंग वाले हैं सबकी तरफ से मैं एक चीज़ गुजारिश ये कर रहा हूँ, हुकूमत से गुजारिश है खासतौर से ये, अगले साल से ज़रा स्कूल को थोड़ा जल्दी स्कूल को हॉलीडेज दीजिए ज़रा। आज देख लीजिए आप 13 जनवरी है, मार्केट में ग्राहक इतना है, नॉर्मली ग्राहक हर दुकान में पतंग स्टॉक हर एक के पास भरे हुआ है। नेक्स्ट ईयर से तो भी ज़रा 5 जनवरी से स्कूल को ज़रा छुट्टियाँ मिली हमारे को, 5 जनवरी या 1 जनवरी से 15 जनवरी तक 10 दिन तक भी अगर स्कूल को हॉलीडेज मिले तो पतंग वाले कुछ हम लोग ज़रा कारोबार कर सकते हैं हम लोग। एंड जनवरी में 3-4 साल से एग्जाम सर स्कूल के एग्जाम सर रहे, 10 जनवरी 12 जनवरी को हॉलीडेज मिल रहे हैं स्कूल के, उस वजह से कारोबार पतंग वालों का बराबर नहीं हो रहा है। हुकूमत से गुजारिश ये है हमारी कि अगले साल नेक्स्ट ईयर तो भी एक 5 जनवरी से अगर स्कूल को छुट्टियां दिए तो पतंग वालों का हमारा कुछ हो जाता हमारा। ये पतंग ऐसा ऐसा भी है, साल भर इसको बनाते रहता, कटिंग करना, इसको डिज़ाइन जोड़ना, साल भर का टाइम लगता है इसको हमारे लिए। अब आखिरी में आ गया, कुछ बिक्री कुछ नहीं बिक्री, पतंग बच जा रही उसमें हमारा क्या हो रहा, लॉस बहुत हो जा रहा हम लोग के लिए। इस वजह से हुकूमत से ये गुजारिश है, खसूसर गुजारिश ये है हुकूमत से, अगले साल ज़रा पतंग वालों के लिए तब ज़रा गौर करें हमारे लिए। अब एक 5 जनवरी से तो छुट्टी दी है स्कूल को ज़रा हमारे को, तो हमारे 10 दिन कुछ कारोबार चलता है हम लोग का पतंग वालों का। नहीं अभी तो आपको आ रहा पूरा बरेली का मांझा आ रहा पूरा आपको, बरेली में आपको ये 9 कॉट्स आ रहा, 12 कॉट्स आ रहा, 16 कॉट्स आ रहा, 16 नहीं तो मार्केट तकरीबन नहीं है सर मांझा चाइना का, पूरा बरेली का ही मांझा चल रहा पूरा आपको, जितना भी चल रहा बरेली आ रहा पूरा आपको, तागे का मांझा रहता बरेली का पूरा आपको। नहीं इसमें कोई चीज़ का नुकसान नहीं है इसमें आपको, छोटे में रेनबो नहीं है, मांझे में कांच भी देख सकते हैं, बढ़िया कांच रहती है आपको, और उड़ाने में भी एकदम नंबर वन मांझा रहता है आपको। इसमें 9 कॉट्स है, 12 कॉट्स है, 16 कॉट्स है, एक से एक बढ़िया वाला मांझा मिल जाएगा आपको। दुकान का नाम हमारी महबूब अजीज पतंग हाउस, गुलदौरस पे काली कमान।